हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको बाजू का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ये बाजू की कटिंग कर रखा है और दोस्तों इसके बराबर से हमें बुकरम ले लेना है। ये देखिए बुकरम हमने इसके बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लिया है और दोस्तों ये बुकरम को हमने इस तरह से फोल्ड भी कर लिया है। तो इसकी हमें पहले बुकरम की चौड़ाई देखनी है। तो दोस्तों 2.5 इंच आ रही है हमारी चौड़ाई, 2.5 इंच से थोड़ा सा फालतू है, इंच में हम आधा प्लस कर देंगे तो दोस्तों 3 इंच आ जाएगा। 3 इंच हमें इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगाना है। अब इसके बाद में दोस्तों आधा इंच हमारा कंधी का दबाव हो जाता है तो वो हमें आधा इंच कंधी के दबाव के लिए छोड़ देना है और थोड़ा सा हम नीचे और ले लेंगे आधा इंच। तो दोस्तों 1 इंच हम ऊपर से नीचे निशान लगाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमें देखना है कि हमारे बीच की दूरी कितनी आ रही है। तो दोस्तों 11.25 इंच है तो इसे हमें 3 भाग में करना है। तो दोस्तों आएगा 4.25 इंच, ये देखिए इस तरह से, तो हम 4.25 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो 1.5 इंच पर हमें बनाना है, ये देखिए इस तरह से, तो हम निशान इसमें लगा लेंगे। अब ये निशान लगाने के बाद में स्केल से हमें इसे निशान को सीधा लगा देना है। ये देखिए जो दूरी है तो इसे हमें 20 सेंटर से इस तरह से हर एक कट पे निशान लगा लेना है। अब ये निशान लगाने के बाद में हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब इसे हमें कट इन कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब ये हमें देखिए इस तरह से अलग कर देना है इसे, और ये ऊपर की तरफ हमारा जो एक्स्ट्रा दबाव है तो हमें इस तरह से कटिंग कर देना है, और नीचे की तरफ से भी हमें ये देखिए अलग कर लेना है इस तरह से। अभी दोस्तों हम कपड़े में इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमें रखना है और रखने के बाद में ये दोस्तों हम पहले अंदर की तरफ से इसे कच्चा कर लेंगे। अब ये कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने अटैच कर लिया। अब इसी तरह से हमें ये दूसरी साइड का भी अटैच कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब इसे हमें बाजू में रख के पलट देना है। ये देखिए दोस्तों बाजू हमें इस तरह से रखना है, हमने बीच से बाजू को कटिंग कर लिया है, और कटिंग करने के बाद में ये देखिए हम इस तरह से रखेंगे। ये जो कपड़ा हमारा पैटर्न में एक्स्ट्रा हो रहा था इसे हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमें रखना है। रखने के बाद में दोस्तों हम अंदर की तरफ बुकरम के किनारे से सिलाई लगा के इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पैटर्न अटैच कर लिया है। अब इनके बीच का एक पैर का मार्जिन रख के बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कटिंग कर देना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगा देना है, और ये जो नोक है तो इस तरह से कट लगा देना है। यहाँ पे भी हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब दोस्तों इसे हम पलट देंगे। इनकी नोक है हमें बहुत फिनिशिंग से निकालना है। आप कैंची की मदद से निकाल सकते हैं या फिर कोई नोकीली चीज़ ले लें, तो इस तरह से आप नोक को फिनिशिंग से निकाल दें। ये देखिए हमने इस तरह से निकाल लिया। अब दोस्तों इसे हमें सिलाई से कच्चा कर देना है इस तरह से।
ये देखिए हमने पलट लिया है और कच्ची सिलाई भी लगा दी। इसी तरह से हमें दोस्तों दूसरी साइड का पलट के और कच्चा लगा लेना है। ये दोस्तों हमने कपड़ा ले लिया है मैचिंग का। ये हम दोस्तों 1.25 इंच से लेके 1.5 इंच तक की चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये दोस्तों पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है एक साइड से और फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। दूसरी साइड की पट्टी भी हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। ये दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये देखिए जो हमने नीचे की तरफ जो मोहरी हमारी, तो ये हमें इतना छोड़ देना है। यहाँ से पाइपिंग लगाना शुरू करना है। ये देखिए इस तरह से हम पाइपिंग के कपड़े को नीचे की तरफ रखेंगे और हम जितनी मोटी पाइपिंग निकालना है तो उतना ही हमें दबाव देके सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमने कपड़े को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें हल्का सा कट लगा देना है ताकि हमारी पाइपिंग आराम से निकल सके। अब ये देखिए हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगा देना है। ये हम पाइपिंग के किनारे से सिलाई लगाएंगे। और पाइपिंग में दोस्तों हम हल्का सा कट लगा देंगे ताकि हमारी पाइपिंग यहाँ से, क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा घुमाव मांगता है यहाँ पे, तो आराम से बैठ सके। तो ये जितने भी हमारे नोक से हैं तो वहाँ हमें हल्का सा कट लगा देना है। तो ये देखिए हमने पाइपिंग निकाल लिया है। अब इसी तरह से हमें दूसरे भाग में भी पाइपिंग निकाल लेना है। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं से हमें यहाँ तक पाइपिंग निकालना है, तो इसमें भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, पट्टी लेनी है। दोस्तों जितनी ये चौड़ाई हमारी यहाँ से नोक से है, तो इससे हमें कम से कम 1/2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा कटिंग करना है। तो ये हम नाप लेते हैं पहले हमारी नोक तक कितनी है। तो दोस्तों ये 3 इंच है चौड़ाई हमारी, तो इससे हमें कम से कम 3.5 से 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करना है। तो वो हम पहले कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने 4 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है। अब ये कटिंग करने के बाद में ये दोस्तों हमें इस तरह से रखना है और यहाँ से हमें पाइपिंग के जितना सिलाई लगाना है, जितनी हम चौड़ी पाइपिंग यहाँ पर निकालेंगे उस हिसाब से हमें सिलाई लगाना है। दोस्तों नीचे के साइड में जो हमने ये निशान लगाया है, जो हमारा ये मार्जिन होता है, तो उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड का भाग रख लेना इस तरह से। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लिया है। अब हमें बीच से इसे कटिंग कर लेना है और कटिंग करने के बाद में ये दोस्तों हम अंदर की तरफ इसे पलट देंगे। और ये नोक हमें फिनिशिंग से निकाल लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से अंदर की तरफ पलट लिया है। अब पलटने के बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, तो देखिए इस तरह से हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और फोल्ड करके दोस्तों हम लप पे सिलाई लगाएंगे पहले। अब ये दोस्तों यहाँ से हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है।
ये हमें देखना कि यहाँ पे हमारी कितनी है, उतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है और एक बराबर रख के हमें इस तरह से फोल्ड करना है। तो दोस्तों ये देखिए हमने अंदर की तरफ पट्टी पलट लिया है, जो सीधा है हमारा ये है। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड का जो हमारा पल्ला है तो उसमें हमें इसी तरह से अंदर की तरफ पट्टी पलट लेना है इतनी ही चौड़ी। ये दोस्तों हमने नीचे की तरफ सिलाई लगा लिया। अब ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। और इस तरह से बराबर फोल्ड करके सिलाई लगाना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने दोनों पल्लों में अंदर की तरफ पट्टी पलट लिया है। अब दोस्तों हमें पेपर लेना है और पेपर में हम निशान लगाएंगे। तो ये हमने पेपर ले लिया है। पेपर लेने के बाद में देखिए यहाँ तक हमें पेपर को रखना है और ये जो हमारा यहाँ पे नोक है तो यहाँ तक रखना है। अब रखने के बाद में ये दोस्तों हमें इसमें निशान उठा लेना है। एक तरफ हमने निशान उठा लिया है। अब दोस्तों दूसरी तरफ हमें इस तरह से दूसरे भाग को रखना है और बिल्कुल इसी के बराबर से हमें निशान दूसरी साइड भी उठा लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने निशान उठा लिया है। दोस्तों ये हमने पट्टी पलट लिया है। अगर आपको ये डोरी और पट्टी पलटने का तरीका सीखना है तो दोस्तों हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप आसानी से डोरी और पट्टी पलटने का तरीका आप सीख सकते हैं। हमने डोरी बनाने का तीन तरीके से बता रखा है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। अब दोस्तों हमें करना क्या है, ये देखिए जो हमारे तीन खाने हैं तो इसमें हमें पट्टी को सेट करना है। तो पट्टी हम किस तरह से सेट करेंगे, पहले तो देखिए हमें इस तरह से लगाना है। इस तरह से हमें एक्स्ट्रा में कट इन कर देना है। अब इसके बाद में दोस्तों दूसरी नोक पे सेट कर लेना है। अब इसी तरह से हमें तीसरी नोक में सेट कर लेना है। अब इस तरह से सेट करने के बाद में ये दोस्तों एक पट्टी हमें इस तरह से लगा देना है। और दोस्तों एक पट्टी हमें इस तरह से लगा देना है। तो देखिए इस तरह से हमने एक खाने में सेट कर लिया। इसी तरह से हमें इन दोनों में भी सेट कर लेना है पट्टी को। तो दोस्तों इस तरह से हमने तीनों खानों में सेट कर लिया है। अब दोस्तों एक पट्टी हमें बीच सेंटर में लगा देना है, ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से लगाने के बाद में अब दोस्तों हमें बाजू इसमें अटैच करना है। दोस्तों बाजू को हम इस तरह से रखेंगे और ये जो हमने निशान लगाया था उसी के बराबर से हमें रख के और सिलाई लगा देना है। अब दोस्तों हमें दूसरी साइड का पल्ला रखना है।
अब यहाँ पे हमें इस तरह से टांकी बांध देना है। दोस्तों हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और हम लप पे सिलाई लगा देंगे। इधर का भी हमें फोल्ड कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बाजू कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे हमें बटन लगा लेना है। और दोस्तों यहाँ पे हमने दो बटन लगा दिए हैं, तो ये हमारा डिज़ाइन बन के हो गया कंप्लीट। अब ये हमें नीचे का पेपर निकाल देना है। ये दोस्तों साइड की हमें फिटिंग की सिलाई लगा के और बाजू को हम अटैच कर देंगे। ये दोस्तों अगर आपको ये डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो हम नई वीडियो डालें वो आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपके डिज़ाइन बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियो मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।